एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जगदम्बिका पाल। डुमरियागंज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है और आज इसका औपचारिक ऐलान होना है। और साथ ही राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन हैं, समाजवादी पार्टी में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी में लोकल निचले स्तर से आला कमान तक के बीच में जो तारतम्यता है उसे बेहतर न होने की वजह बताते हुए अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया था और अब वो बीजेपी में शामिल हो रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि इसका औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। जगदम्बिका पाल ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, एक अखबार में इंटरव्यू छपा था, उसमें कहा था कि उनकी जो हैसियत है उस हिसाब से कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इन दोनों के औपचारिक ऐलान का अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मीडिया सेल से हमें जानकारी मिली थी कि थोड़ी देर में इनका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आज जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है, होने वाली है, उसमें उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर भी चर्चा होनी है जहां से जगदम्बिका पाल सीट मांग रहे हैं डुमरियागंज से, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों का आज ऐलान होने की संभावना है। इसीलिए जो बैठक चल रही है उससे पहले ही कहा यह जा रहा है कि अगले आधे घंटे से एक घंटे के भीतर में जगदम्बिका पाल और राजू श्रीवास्तव दोनों यहां पहुंचने वाले और यहीं पर उनका ऐलान होगा और इसके बाद शाम तक में डुमरियागंज से उनके सीट का ऐलान हो जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि राजू श्रीवास्तव को भी पार्टी कहीं से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम कानपुर सीट की बात करें हमें, तो अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कानपुर से उन्हें टिकट दिया था, तो क्या यहां पर भी राजू श्रीवास्तव की दावेदारी कानपुर से मानी जा रही है? लेकिन फिलहाल बीजेपी के भी कई कद्दावर कैंडिडेट हैं जो कानपुर से चाहते हैं कि उनकी उम्मीदवारी हो। देखिए, कानपुर से तो मुरलीभर जोशी के नाम का ऐलान हो चुका है, पार्टी वही लड़ेंगे, मुरलीभर जोशी लड़ेंगे, बनारस छोड़कर उनको कानपुर भेजा गया है, तो कानपुर से तो नहीं होना मुश्किल है कि वो वहां से चुनाव लड़े, लेकिन और भी कई सीटें हैं जहां से वो उतार सकते हैं। पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं, क्या पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उनकी स्थिति बन सकती है और वहां पर लोग वहां से जुड़े हुए हैं, उस तरफ के इलाके के हैं, तो संभावना है कि वहां पर से वो लड़ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में यहां पर संभावना है कि लालकृष्ण आडवाणी अब यहां पहुंचने की संभावना, जो खबरें आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी थोड़ी देर में यहां पहुंच सकते हैं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो लगभग खत्म हो चुकी है, अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि जो लालकृष्ण आडवाणी को लेकर सस्पेंस का लगता है कि पार्टी के भीतर वो चीज खत्म हो चुकी है, तभी जाकर लालकृष्ण आडवाणी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच आपको हम बता दें कि संसदीय बोर्ड की बैठक थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, जैसे संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं, और इस बीच जगदम्बिका पाल जो बीजेपी में आज शामिल होंगे।